हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि आज के निकले हुए किचन वेस्ट को मैं सीधे अपने गमलों की मिट्टी में किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। तो पहले हम थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और आज देखिए, ये लौकी पूरी तरह से तैयार है और एक ये तोरई तैयार है। और मैं लौकी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कई दिनों बाद मुझे लौकी हार्वेस्ट करने के लिए मिल रही है। पिछले काफ़ी दिनों से मेरी लौकी की बेल किसी न किसी कारण से ख़राब हो रही थी। और देखिए, इस ड्रम में भी जो मेरी दो लौकी की बेलें पानी ना देने की वजह से सूख गई थी, तो इसमें मैंने फिर से एक बीज डाल दिया था और अब फिर से पौधा तैयार हो गया है। और देखिए, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ हम बहुत आसानी से अपनी छतों पर जहर मुक्त सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और सिर्फ किचन के निकले हुए कूड़े कचरे, थोड़ी सी गोबर की खाद और मिट्टी से ही हम बहुत अच्छा मीडियम तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छी सब्जियां ग्रो होती हैं। तो देखिए, हम पहले हार्वेस्ट कर लेंगे ये लौकी। और देखिए कितनी साफ़ सुथरी, बिल्कुल ग्रीन है। जब भी आपकी जो लौकी है वो पॉलिनेट हो जाए, उसके बाद आप इसे कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ढक कर के रखिए। मैंने भी इस बैग से इसे, जो ये वाइट कलर का बैग दिख रहा है, इससे इसे ढक कर के रखा था। और देखिए कितनी साफ़ सुथरी लौकी है, क्योंकि लौकी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो इस पर कीट का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है और लौकी ख़राब सी होने लगती है। तो इसे ज़रूर आप ढक कर के रखिए। और देखिए, ये तोरई है, ये भी तैयार हो गई है, तो इसे भी हम तोड़ लेंगे। लौकी, तोरई जैसी बड़े साइज़ की सब्जियों के लिए आप कंटेनर साइज़ बस थोड़ा सा बड़ा रखिए और अच्छी मिट्टी बनाइए और बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइजर्स देते रहिए, तो बहुत अच्छी सब्जियां लगेंगी। और खाने में भी इन ऑर्गेनिक सब्जियों में अलग ही मिठास होती है, एक ही भाप में गल जाती हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं। और अब हम भिंडी हार्वेस्ट कर लेंगे। और भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो आप छोटे साइज़ के गमलों में भी लगा सकते हैं, बड़े साइज़ में भी लगा सकते हैं। जैसे लौकी तोरी वगैरह को आप छोटे में लगाएंगे तो उसमें आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन भिंडी आप लगा सकते हैं। देखिए, जितने भी 9-10 इंच के गमले हैं जिनमें मैंने टमाटर लगाए थे, उन सभी में मैं भिंडी लगाती जा रही हूँ। और डेली 10-12 भिंडी तो निकलती ही हैं और मैं 3-4 दिन की स्टोर कर लेती हूँ, फिर एक बार सब्जी बन जाती है। बड़े साइज़ के गमले में लगाएंगे तो और ज़्यादा आपका बड़ा पौधा होगा, घना होगा, लेकिन आप छोटे में भी लगा सकते हैं। छोटा बड़ा कैसा भी गमला हो, भिंडी के लिए यूज़ हो जाता है। जितने भी मेरे ये छोटे वाले गमले हैं उनमें मैं इसी तरह से टमाटर, भिंडी, धनिया वगैरह लगाती हूँ। और अब देखिए, ये चेरी टमाटो भी इतनी गर्मी में भी इतना अच्छा फल रहा है ये। और इनका कलर बहुत ज़्यादा रेड नहीं है, हल्का सा डल है, ये अपनी अपनी वैरायटी का हो जाता है। बहुत ज़्यादा शाइनी रेड नहीं है, लेकिन हाँ, खाने में बहुत मीठे हैं ये। और इतने ज़्यादा बीज होते हैं एक ही टमाटर में, पूरे मेरे मतलब सारे कंटेनर्स में चेरी टमाटो के पौधे छोटे छोटे निकल आते हैं। मैंने सैकड़ों पौधे निकाल करके फेंके हैं, क्योंकि बड़े वाले टमाटर ही मुझे ज़्यादा पसंद हैं। ये वाले तो बस मैं 2-3 प्लांट्स रख लेती हूँ, बाकी के मैं निकाल देती हूँ, नहीं लगाती बहुत ज़्यादा। और अभी अगर आपने गर्मी में टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं तो थोड़ा सा आप उसे शेडी एरिया में रख दें तो आपके ज़्यादा अच्छे टमाटर होंगे। और दोनों समय पानी दीजिए, टमाटर की मिट्टी को आप सूखने मत दीजिए। तो देखिए, ये टमाटर भी हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो आज की तो देखिए हमारी हार्वेस्टिंग हो गई है। एक तोरई है, एक लौकी है और एक ये थोड़े से टमाटर और भिंडी है। और अब शाम का वक्त हो चुका है और मैं आज का किचन वेस्ट छत के ऊपर ले आई हूँ। और इसे देखिए मैं किस तरह से मिट्टी में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर खाली किया है, इसमें मैंने आपको दिखाया था फ्रेंच बीन्स लगाए थे। सिर्फ एक बार हार्वेस्टिंग हुई और पौधे के पत्ते बिल्कुल पीले पड़ गए। बीन्स तो बहुत सारी लगी लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी, बढ़ी नहीं, मतलब उतना मज़ा नहीं आया। और फ्रेंच बीन्स ठंड में लगाई जाती है, शॉपकीपर ने मुझे बोला था कि ये 12 महीने लगेगी, इसलिए मैंने गर्मी में लगा करके देखे, पर मुझे नहीं मज़ा आया तो मैंने निकाल दिए ये सारे। और देखिए, ये पानी की बाल्टी भर गई है। मैं ऐसे ही इसमें पाइप लगा लेती हूँ और जितनी देर में बाल्टी भरती है उतनी देर में मैं कुछ कुछ काम कर लेती हूँ। और जब भर जाती है तो पानी देके फिर मैं दोबारा से काम में लग जाती हूँ। तो पहले मैं ये बाल्टी खाली कर दूँ। और अभी क्योंकि गर्मी तेज़ है तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों समय पौधों को पानी दे दूँ और एक समय तो बिल्कुल डीप वाटरिंग करूँ, ताकि पूरी मिट्टी जो है कंटेनर के नीचे तक की गीली हो जाए। लेकिन फिर भी शाम के समय कभी कभार मेरा पानी देना मिस हो ही जाता है किसी न किसी काम की वजह से। तो भी पौधे बेचारे ठीक ठाक चल ही रहे हैं।
और देखिए जो ये मैं किचन वेस्ट लेकर के आई हूँ इसे मैं इस कंटेनर की मिट्टी में डालूँगी, क्योंकि इसमें मैंने जो बीन्स के प्लांट निकाले थे वो अब हटाने के बाद मैं दूसरे पौधे लगाऊँगी, तो उससे पहले मिट्टी को रिच बनाना ज़रूरी है। और क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि जो मैंने इसमें बीन्स लगाई थी हो सकता है मिट्टी में कमी रह गई हो, इसलिए भी बीन्स अच्छी नहीं लगी, या फिर पता नहीं मौसम की वजह से क्योंकि ये विंटर प्लांट थे इसलिए नहीं लगे, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जो भी हो हम मिट्टी को फिर से रिचार्ज करेंगे। और उसके लिए मैं क्या करूँगी, अभी कुछ दिनों तक जितना भी मेरा सब्जियों का छिलका निकलने वाला है उस सबको इस मिट्टी में मैं डालती जाऊँगी और ऊपर नीचे करके मिट्टी में मिक्स करती जाऊँगी। और जितना भी मेरा गार्डन का वेस्ट निकलेगा झाड़ू लगाने के बाद, जो भी सूखे पत्ते कचरा वगैरह टहनियाँ वगैरह निकलेंगी वो सब मैं इसमें मिलाती जाऊँगी। तो कुछ दिनों तक जब हम इसी तरह से इसे मिट्टी में मिलाएंगे ऊपर नीचे मिक्स करेंगे तो ये एक इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बन जाएगा, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट और मिट्टी का। ये देखिए ये मैंने झाड़ू लगाई और जितना भी कचरा निकला वो सारा मैंने इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और भी मैं देखूंगी इधर उधर से मुझे कुछ सूखे पत्ते मिल जाएंगे, कोई लाकर दे देगा तो वो भी मैं मंगवा लूँगी और वो भी मैं कुछ इसमें डाल दूँगी। तो इसी तरह से डेली का सारा जितना भी कूड़ा कचरा निकलेगा वो सारे मिलाते मिलाते जब ये मेरा कंटेनर ऊपर तक, मतलब 3/4 तक ऊपर तक भर जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऊपर से मिट्टी और गोबर की खाद का मिक्सचर डालेंगे। देखिए यहाँ तक मैं कोशिश करूँगी कि ये मेरा कंटेनर भर जाए इसी तरह से, और ऊपर से 2-3 इंच मोटी लेयर गोबर खाद और मिट्टी के मिक्सचर की डाल दूँगी। और ज़्यादा सूख जाएगा तो कभी कभार ऊपर से पानी के छींटे भी डाल दूँगी, थोड़ा सा मॉइस्चर रहना ज़रूरी है। और लगभग 1 महीने में हमारा ये कंटेनर सब्जियाँ लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैं तो इसी तरह से कॉम्पोस्टिंग वगैरह से मेहनत से बचने के लिए इसी तरह के सिंपल तिकड़म ढूंढती रहती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और हमारा किचन वेस्ट भी यूज़ हो जाए और मिट्टी भी अच्छी तैयार हो जाए। आपको लग रहा होगा इसमें क्या बताने वाली बात थी, हमेशा तो मैं यही करती हूँ, कभी किचन वेस्ट इधर डाला कभी उधर डाला, पर मैं सच में यही करती हूँ। मैं सिर्फ किचन वेस्ट और गोबर की खाद का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और एक लिक्विड फर्टिलाइजर्स डालना मुझे बहुत पसंद है, और ठीक ठाक सब्जियाँ हो जाती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा देखिए परेशान नहीं होती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।